चैनल इंडियन मॉम कैंचन। सो गाइज अभी बज रहे हैं पता नहीं, हाँ 3 बज रहे हैं। एक्चुअली बहुत जल्दी निकलना था बट जाने दो, ये अद्विक को रेडी करना था, उसके बाद माही रेडी हुई और अभी अद्विक और माही को लेके जाने वाली हूँ क्योंकि ये घर पे नहीं है, ड्यूटी गया है, इसी वजह से इन दोनों को भी लेके जाने वाली हूँ साथ। और हाँ, मैं जाने वाली हूँ हेयर वॉश करने, उसके साथ साथ जो मेरे क्लिप्स डिलीट हो गया है वो भी देखती हूँ जाके वहाँ पे। अद्विक रेडी हो गया है, देखो तो वहाँ पर जाने वाली हूँ और रिकवर होता है क्या देखती हूँ। अगर रिकवर होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा यार मेरे लिए, अगर नहीं होगा तो छोड़ देती हूँ डायरेक्ट। बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ मैं उस चीज़ का, लेकिन क्या करूँ, मेहनत बहुत ज़्यादा लगी थी इसी वजह से। तो चलो, माही भी रेडी हो गई है और अद्विक भी रेडी हो गए। आज मैंने ब्रश वॉश करके रखे क्योंकि उधर लेके जाना है ट्रिप के लिए, और उसके लिए भी कुछ शॉपिंग करनी है। अद्विक की बिल्कुल शॉपिंग नहीं हुई थी, माही की पूरी हो गई थी। अद्विक की मतलब अद्विक का तो कुछ भी नहीं लेना हुआ, तो आज अद्विक के लिए शॉपिंग भी करनी है, उसके साथ साथ मुझे 3-4 काम करने हैं। मेरे हेयर वॉश करने हैं, सबसे पहले हेयर वॉश करने जाती हूँ, उसके बाद वो रिकवर होता है क्या वो देखती हूँ, वो होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो फिर छोड़ दूंगी, और उसके बाद जाऊँगी शॉपिंग करने। तो अद्विक का मेकअप भी देख लीजिए, एक दिन अद्विक का मेकअप आपके साथ शेयर करूंगी। अद्विक एक मेकअप ट्यूटोरियल बनाएगा आपके लिए। तो हाँ, देखो देखो ये ऐसे करता है अद्विक, देखो। चलो चलो, चलना है ना अद्विक? अरे लिप्स पे भी लिप्स पे ब्लश। तो चलो चलना है ना अद्विक, बताओ आपके लिए क्या क्या लेना है, बताओ मुझे पहले। मेरे लिए आप झूठ बोल के मेरे लिए आइसक्रीम ले लेके आना। उस दिन हम लोग नहीं गए थे, लस्सी नहीं थी ना हमने, जो फोटोज दिखे तो बोल मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं दी आपने। अभी अभी खिलाती हूँ आपको, ठीक है, आइसक्रीम लस्सी पिलाती हूँ, ठीक है अभी। तो चलिए फिर जाती हूँ वहाँ पे, और उसके बाद हाँ उसने ना फोटोज देखे हमारे मोबाइल में कि हम लोगों ने आइसक्रीम लस्सी वगैरह खाई। उस दिन हम लोग लेके नहीं गए थे अद्विक को, अद्विक उसके पापा के पास था, तो बोल रहा है कि अरे आपने झूठ बोला मुझसे, उसी टाइम रोने लगा था। और आप जब घर पे लाते हो या कुछ तो हम बोलते हैं क्या हमें दो करके? हाँ ना, हमें दो बोलते तो अभी भी देते नहीं है तो तो बोलते हैं बड़े हो। चलो अभी खिलाती हूँ आपको, ठीक है वहां पे जाने के बाद। लेकिन आपको क्या क्या चाहिए ये बताया नहीं आपने, क्या क्या चाहिए आपको कपड़ों में? और अभी बोल रहा है कि पापा के लिए नहीं लेने वाले क्या? पापा गुस्सा हो जाएंगे ना, पापा फिर नाराज हो जाएंगे ना हमसे। फिर से बोलूंगा मुझे क्या चाहिए? क्या मम्मा फिर से मतलब वहां पर जाने के बाद? अच्छा बता। हाँ हाँ, क्या चाहिए अद्विक आपको? कभी ना मारू, मैं आगे मारू, मुझे लस्सी और ये चाहिए आइसक्रीम। ये कहाँ से सीखा भाई? अरे हैगे मारो का कार्टून आता है हंगामा इसके। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो हैगे मारो का दिखता रहता है। अच्छा अच्छा, उसमें से सीखा है। कभी ना हारू मैं हैगे मारू, कभी ना हारू मैं हैगे मारू, और मुझे चाहिए लस्सी और आइसक्रीम। आइसक्रीम आइसक्रीम से नहीं, आइसक्रीम और लस्सी। लस्सी और आइसक्रीम, आइसक्रीम अलग लेगा, लस्सी अलग लेगा, उसको मिक्स करेगा। चलो चलते हैं, लेट हो गया है ऑलरेडी। निकिता मासी के घर चले क्या पहले? चलो, या पहले हेयर वॉश करने चले, उसको कॉल कर देंगे नहीं तो। हाँ ठीक है, चलो बैठ जाओ, निकाल लो पहले बाहर। ये देखो रोड कैसे बन गया है, अभी इस पे और लेयर चढ़ेगी शायद, पता नहीं है ना माही? वो लिक्विड डाल दे दे। हाँ नहीं वो डाम्बर, हाँ वो लिक्विड, हाँ ब्लैक कलर का, तो वो डालेंगे और इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और नाइन सा भी देखो यहाँ तक ही हुआ है रोड, मतलब इसके आगे नहीं हुआ है, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं।
मतलब आगे बिल्कुल नहीं है। तो ये ना रोड बहुत बड़ा है, वहाँ से लेके आगे तक रोड है, तो इसी वजह से मतलब इधर भी है, तो इसीलिए ना ये रोड बाद में बनेगा, पता नहीं कब बनेगा, जब सैंक्शन होके आएगा तब बनेगा, हम लोग इतना टेंशन भी नहीं ले रहे हैं। बट इन्होंने नाइन सभी देखो कितनी की है, यहाँ तक ही रोड ख़त्म कर दिया और यहाँ से आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रहने दो, अंदर भी जगह है, ठीक है ना? अभी एक्चुअली आप सभी लोगों के क्वेश्चन थे स्मूथनिंग के रिगार्डिंग, और मतलब स्मूथनिंग के बाद क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे केयर करनी चाहिए बालों की, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन थे आपके, तो उसके आंसर तो मैं दे नहीं पाई, बट उसके आंसर भैया देंगे आपको। तो क्या क्या करना है भैया? स्मूथनिंग बालों के लिए ज़्यादा बोरिंग का पानी यूज नहीं करना चाहिए, मीठा पानी यूज किए तो बाल अच्छे रहते, मेंटेन रहते। शैम्पू कंडीशनर ये भी मेंटेन जरूरी है स्मूथनिंग वाला। और दूसरी बात मतलब जो कलरिंग वगैरह रहता है तो वो मिनिमम जैसे ग्लोबल वगैरह करवाना रहा तो एक महीने बाद करवा सकते हैं। अच्छा। और जैसे हाईलाइट वगैरह करवाने रहे तो मिनिमम डेढ़ महीने बाद करवा सकते हैं आप। अच्छा। और ऑयल कब लगाना है? जैसे कि ऑयल वगैरह रहा तो मिनिमम 2 महीने के बाद लगा सकते हैं ऑयल, मतलब स्मूथनिंग के बाद। और हाँ, काफी लोगों के क्वेश्चंस ये थे कि जैसे कि आप मतलब स्मूथनिंग करवाते हो, स्मूथनिंग के बाद उनके हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्यों होता है? हेयर फॉल नहीं होता है, जैसे मतलब कोई क्रीम जड़ से अप्लाई करता है, कोई थोड़ा 1 इंच
अप्लाई करता है एक इंच छोड़ के, हाँ, तो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। और जैसे मतलब क्रीम अच्छे से अप्लाई करने के बाद आइनिंग भी जरूरी है। अच्छा। और जो अपन आखिरी में न्यूट्रलाइजर अप्लाई करते हैं, हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। अच्छा। और दूसरी बात, अब कोई कोई क्या कर लेता है, जैसे स्मूथनिंग करने के बाद 8 दिन वॉश नहीं करते। तो ये सारी चीजें हैं। और क्या और कुछ रह गया है क्या? मतलब जैसे किसी को स्पा वगैरह लेना रहता है तो भी ले सकते हैं, जैसे 1.5 महीने बाद अपने को लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा लेना चाहिए। अच्छा। केयर करना चाहिए। और हाँ, आपकी कॉस्ट सब लोग पूछ रहे थे, और आपका ना आपका नाम और आपका एड्रेस फुल बता दीजिए, क्योंकि जो अमरावती से देख रहे हैं मुझे, मतलब उनको सही रहे यहाँ पर आने के लिए। तो आप एड्रेस पूछ रहे थे मुझसे, भैया का एड्रेस क्या है और ये सारी चीजें भैया बताएंगे। पैंटालून मॉल है, जैसे एम्पायर करके बोलते हैं, एम्पायर मॉल में पैंटालून जो शोरूम है, तो वहाँ पर सेकंड फ्लोर पे फैशन यूनिसेक्स सैलून है। या फैशन यूनिसेक्स सैलून है, तो वहाँ पर भैया का सैलून है। भैया का नाम सुनील नाम है। सुनील नाम है। और मैं नंबर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कॉल कर सकते हो उनको और कॉन्टेक्ट करके आप यहाँ पर आ सकते हो। और आप डायरेक्टली आए ना यहाँ पे, तो मतलब अमरावती से हो तो आपको पता ही होगा कि पैंटालून का जो शोरूम है वो कहाँ पे है अमरावती में। अमरावती सिटी तो इतनी बड़ी है नहीं, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी आ सकते हो। और सेकंड फ्लोर पे आने के बाद आपको पता चल जाएगा, भैया का सलून दिख ही जाएगा आपको। फैशन सलून है, यूनिसेक्स सलून है। तो आपके हस्बैंड देख रहे हैं तो वो भी आ सकते हैं, और आप अगर लेडीज देख रही है मुझे वो भी आ सकती है यहाँ पे। और कॉस्ट बताइए भैया। कॉस्ट वैसे नहीं बता सकते, मतलब लेंथ, हाँ, लेंथ के अकॉर्डिंग। हाँ, तो मुझसे वही पूछा गया था कि आपकी कॉस्ट क्या ली है, तो वही मैं बोल देती हूँ उन्हें कि लेंथ के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट यहाँ पर डिसाइड होगी। आप मतलब फिर भी आप ये अंदाजा तो दे सकते हो कि इतने के अंदर होगा। 4000 से स्टार्टिंग है, मतलब 6000 के अंदर ही आपका हो जाएगा जैसे। हाँ। है ना, इतने लंबे तो बाल होते नहीं किसी के, तो 6000 के अंदर हो जाएगा आपका। और कलर का ग्लोबल वगैरह, ये ग्लोबल वगैरह मतलब 2000 से स्टार्ट है ग्लोबल वगैरह, तो बहुत रिजनेबल है अमरावती सिटी के हिसाब से, बहुत रिजनेबल है यहाँ पे। स्किन ट्रीटमेंट सारे यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि और भैया का जो ये है क्या बोलते हैं सलोन, तो वो तो आपको दिखाई दिया है मैंने। अगर आपने मेरा हेयरकट वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो हेयरकट वाला ब्लॉग देख लेना, उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा भैया का सलोन पूरा, बहुत अच्छा है, आप देख लेना। और भैया का नंबर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। आई होप आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, भैया ने बहुत अच्छे से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं। तो अभी मैं जाने वाली हूँ वहाँ पर, मतलब ये मोबाइल दिखाने, रिकवर होता है या नहीं होता है, मतलब क्लिप्स जो है मेरे डिलीट हो गए थे वो, तो अगर नहीं होंगे माही देखना, तो अगर नहीं होंगे वो क्लिप्स तो पता नहीं, अभी भगवान भरोसे छोड़ते हैं।
गाइस घर पे आ गई हूँ और हेयर वॉश वगैरह कर लिए हैं। अभी अच्छा लग रहा है, मतलब अभी कम से कम मैं अच्छे से सो तो पाऊंगी, क्योंकि अच्छे से सो भी नहीं पा रही थी। क्योंकि क्या होता है कि स्मूदनिंग वगैरह करने के बाद ना, जब तक हेयर वॉश नहीं करते हो आप लोग, तब तक ना बाल ऐसे पीछे रख के और ऐसे बहुत अच्छे से सोना पड़ता है और नींद पूरी नहीं होती इसकी वजह से। तो अच्छे से सो पाऊंगी अभी। और हाँ, मैं ना 7:30 या 8 बजे घर पे आ गई थी, क्योंकि बच्चों की शॉपिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, पसंद ही नहीं आता है यार बच्चों के, एक तो साइज़ का नहीं मिलता है, नहीं तो फिर पसंद नहीं आता है, और यही सारी चीज़ें होती है। तो अद्विक का रह गया था और उसके पापा का रह गया था, तो उसके पापा के लिए कुछ लाया और अद्विक के लिए कुछ लाया, तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि वो उसे आप पहने हुए ही देख लेना डायरेक्ट, तो वो तो शॉपिंग शेयर नहीं करूँगी। अभी पैकिंग वैकिंग भी बाकी है मेरी, सब कुछ बाकी है यार, जो भी करना है मैं अभी बाद में करूँगी। अभी ना मैं आई, उसके बाद थोड़ी देर बैठी, चाय वगैरह पी, उसके बाद अभी रोटियाँ वगैरह बनाई और अभी आ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, नहीं तो भूल जाती और ब्लॉग को एंड करना है करके। और हाँ, मैं ये बता दूँ कि जिसके लिए मैं गई थी वीडियो रिकवर करने के लिए, तो वीडियो की रिकवरी नहीं हुई है, कल जाएंगे सुबह और एक दो जगह और दिखाऊंगी, तो वहाँ पर हो सकता है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर गए वो वीडियोज़ मेरे। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी ऐसे मैं तो अभी यही समझ रही हूँ कि जाने दो, छोड़ दो, मतलब हो गया सो हो गया, अभी न्यू स्टार्ट करते हैं, तो यही सोच के मैंने अभी छोड़ दिया है। होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं होगा तो भी ठीक है, जाने दो जी। कल बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी इतने दिनों की मेहनत चली गई, बट अभी उसको ही लेके मैं बैठूंगी तो फिर मेरा मूड ऑफ ही रहेगा ऐसे ही, और मैं उसी के बारे में सोचती रहूंगी। तो ये भी तो मैंने भी सोच लिया है कि यार नहीं, मेरा मूड ऑफ ही रह रहा है, कल से तो मेरा मूड ऑफ ही है, तो इसी वजह से मैं आज बाहर गई, शॉपिंग करने गई थोड़ी सी, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ गई, मुझे लगा था कि उसके साथ जाऊंगी तो थोड़ा सा फ्रेश लगेगा, मूड भी फ्रेश हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा मूड तो फ्रेश हो गया है मेरा वैसे अभी, बट क्या है कि थोड़ी देर में जब वो दिमाग में आता है ना कि मेरे वीडियो चले गए हैं, डिलीट हो गए हैं, तो और ज़्यादा वो लगता है कि यार नहीं, इतने दिनों की मेहनत चली गई है, बट नहीं, अभी नहीं सोचूंगी मैं उसके बारे में, क्योंकि मुझे जाना है वैकेशन पे, और वहाँ पे वो जो इन्जॉय है वो मैं गंवाने वाली नहीं हूँ, मतलब इतने दिनों की बात तो जा रही हूँ, और उसके बाद मैं नहीं चाहती कि वहाँ पर मैं ऐसे ही सोचती रहूँ उसके बारे में, तो इसी वजह से मैं दिमाग से निकालने वाली हूँ सारी चीज़ें। और हाँ, ट्रिप वाले ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं हम लोग, और आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं ब्लॉग, तो आप भी देख के एंजॉय करने वाले ही हो। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ दो और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा, आपको जो वैकेशन के सारे पिक्चर्स है वो वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।